हाय हेलो नमस्कार मुँ जसमंत आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्चे। आज आम ये भिडियो कौन डिस्कसन करने जाऊे ना ओट पुलिस 4070 नर्सिंग अफिसर पोस्ट पर आम एमसीक्यू को प्रिपेरेसन करने जाऊे। तो भिडियो भाई ये क्वेश्चन में गोटे क्वेश्चन रखी जोटा कि आम 6 नंबर क्वेश्चन अच्छे आपंपाई जदि आपको जना आज तरह आंसर तो तेज़ जल्दी जल्दी कमेंट कर दिखाते मुझे 100% रिप्लाई देखा चेस्ट करी। तो ठीक अच्छे आई भिडियो जब आपको भल लगे तो निश्चित लाइक करूँ कमेंट करूँ आपंग सहित आप ग्रुप से सेयार करूँ आज चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जाकर सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को ऑल रखु आज जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना जल्दी जाकर जॉइन होती आम डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी से मतलब किसी भी आपंकर क्वारी रहा मतलब पचारिपारे। ठीक अच्छे तो पूर्व भिडियो में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन टी पचारी तार राइट आंसर कौन हम आसतु देखा। तो देखो तो 9 नंबर भिडियो में आपको पचारी कि ए इमेज बेस्ड क्वेश्चन टी कौन। ठीक अच्छे तो मैक्सिमम पिला राइट आंसर देखते बहुत कम पिला जे कि जापार ना चिन्ह पार ना कन्फ्यूज होकर रंग आंसर देखते देखो आर राइट आंसर टी कौन हम देखो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज अल्ट्रासाउंड मशीन जहाँकि आम कौन यूज हुए ना आम किसी इंटरनाल ऑर्गन रहा तार कि भी आम प्रोब्लेम अच्छी कि कौन अच्छी आम तार इमेज को आम देखिपर तो आम अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा इंटरनल ऑर्गन रो इमेज को देखिपर जोटा कि आम कि भी जब आम डिविजन थाए तो आम क्लीयर कर जोटा कि आम डॉक्टर मान द्वारा ये अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक अच्छे भाबूजी आपने बुझीपारे तो आसतु आम आज वीडियो को स्टार्ट करवा। देखो आज वीडियो रो फास्ट क्वेश्चन तो फास्ट क्वेश्चन कौन देती ना इन द फॉलोइंग व्हिच इज यूज फास्ट टू ट्रीट हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक रे ए भितर कोटा हमर फास्ट यूज हम। ठीक अच्छे ऑप्शन देखो प्लाज्मा ना फ्रेश ब्लड ना होल ब्लड ना पैक्ड सेल तो कौन कहला ना आम आ भितर कोटाक हाइपोवोलेमिक फास्ट यूज हुए। ठीक अच्छे हाइपोवोलेमिक शॉक माने कौन आम बॉडी रो फ्लूइड कम अच्छी। ठीक अच्छे बॉडी रो फ्लूइड जोटा आम कम अच्छी आम हाइपोवोलेमिक शॉक कहू। तो ठीक अच्छे तो से आमर कौ ब्लडा आम मानने पेसेंट ही लगे देखो प्लाज्मा कंटेन्ट ब्लड ना फ्रेश ब्लड ना होल ब्लड ना पैक्ड सेल जोटा रहा आम पीआरबीसी ब्लड तो कौटा लगे देखो जदि आपको आंसर जना अच्छे निश्चित तेल कमेंट कर दिंतु। तो आर राइट आंसर कौन हम मुझे रखुच्छे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज होल ब्लड जो थी कि आम टोटाल डायरेक्ट पेसेंट ठू आसी था जोटा होल ब्लड आम कि भी मानने बाहर करा जाए ना ब्लड रू जोटा कि अलग करा जाए ना था कि किसी भी मिशी ना जोटा कि आम होल ब्लड से दिजाव। ठीक अच्छे हाइपोवोलेमिक पेसेंट केस रे फास्ट कौन है ना होल ब्लड आम दिजाव। ठीक अच्छे भाव आपने बुझीपारे तो देखो मुझे कही रखुची एक्सप्लेनेशन रे कौन देती ना होल ब्लड इज ए ह्यूमन ब्लड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड ब्लड डोनेशन इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैसिव ब्लीडिंग इन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एंड व्हेन पीपल डोनेट ब्लड टू देमसेल्फ कौन कहला ना जिते मैक्सीव आम ब्लीडिंग कि आम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन दरकार होते कौन है ना आगे होल ब्लड ही लगे। ठीक अच्छे वन यूनिट ऑफ होल ब्लड ब्रिंग्स ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल्स बाय अबाउट 10 ग्राम पर लिटर। ठीक अच्छे यहाँ देखो तो क्रॉस मैचिंग इज टाइपिकली डन बिफोर द ब्लड इज गिवेन जोटा कि जानते जोटा कि आम क्रॉस मैचिंग रहा ब्लड ग्रुपिंग रहा से सब टेस्ट दरकार हुए आम मेनली ब्लड आम जितने ट्रांसफ्यूजन कराया पड़े। ठीक अच्छे आपने मन रखु कि हाइपोवोलेमिक शॉक रे आम होल ब्लड फास्ट आम यूज करू बोले। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दुई नंबर क्वेश्चन कौन देती ना द डेथ ऑफ फिटस इन यूटेरो इज कॉल्ड कौन कहला ना गोटे बेबी जदि फिटस रि आम डेथ होची यूटेरस भितर डेथ होची तो आम कौन बोली कह देखो ऑप्शन मिसकैरेज बोली कहवा ना स्टिल बाथ कहवा ना आबर्सन कहवा ना IUFD कहवा तो कौन कह देखु IUFD रो फुल फॉर्म कौन ना इंट्रा यूटेराइन फिटस डेथ। ठीक अच्छे इंट्रा यूटेराइन फिटस डेथ तो आर राइट आंसर कौन हम ना द डेथ ऑफ फिटस इन यूटेरस यदि यूटेरस भितर पिलाटी माने फिटस टी डेथ होगा तो आम कौन बोल कह देखु फास्ट मुझे रखुच्छे मिसकैरेज कौन तो आपण मैंने से वर्ड टी बहुत थोड़े शुणी थे तो मिसकैरेज कौन ना आमर इयरली आम प्रेगनेंसी लॉस होगाकू आम कौन बोली कहू ना मिसकैरेज। ठीक अच्छे जोटा कि बिफोर 20 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी सॉरी बिफोर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जोटा कि आम 20 सप्ताह माने बिफोर 20 सप्ताह पूर्वर आमर कौन हुए ना आम प्रेगनेंसी जब लॉस हो जाए आम कौन बोली कहू ना मिसकैरेज। ठीक अच्छे तो स्टिल बाथ कौन स्टिल बाथ हूँ
ବେବି ଡେଲିଭର୍ଡ଼ ବଟ୍ ନୋ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। କ'ଣ ମାନେ ବେବି ଡେଲିଭର୍ଡ଼ ହେଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ତା'ର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ଥ। ବିଫୋର୍ ଅର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡେଲିଭରି ଯଦି ଆମର ବେବି ମାନେ ମାନେ ବିନା ଲାଇଫ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ଥ। ତ ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ଥଟି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଫ୍ଟର 24 ୱିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି। ଯଦି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି 24 ୱିକ୍ ଏଭବ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି, ଯଦି ଆମର ବେବି ଡ୍ୟୁରିଂ ଅର୍ ବିଫୋର୍ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କି ତା'ର ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆବର୍ସନ୍ କ'ଣ, ଆବର୍ସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ, ଆବର୍ସନ୍ କହୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି, ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ବାଇ ରିମୁଭାଲ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଅଫ୍ ଫିଟସ୍। ଆମେ କିଛି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମେ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେଉ କି କିଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି, ଆମେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିକୁ ମାନେ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦେଉ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଆବର୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ IUFD କ'ଣ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାୟୁଟେରାଇନ୍ ଫିଟସ୍ ଡେଥ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା ବେବିଜ୍ ୱିଥ୍ ନୋ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁଟରସ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ବେବି ଗୋଟେ ୟୁଟରସ୍ ଭିତରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଜୀବନ ନଥାଏ ଅଥବା ସେ ମରିଯାଇଥାଏ ୟୁଟରସ୍ ଭିତରେ। ତା'ର ସେଇଟା କେତେ ଭିତରେ ନା 20-23 ୱିକ୍, 20-23 ୱିକ୍ ଭିତରେ, ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ବେବି ୟୁଟରସ୍ ଭିତରେ ମରିଯାଉଛି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା IUFD। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ IUFD ଇଣ୍ଟ୍ରାୟୁଟେରାଇନ୍ ଫିଟସ୍ ଡେଥ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫିଟସ୍ ଯଦି ୟୁଟରସ୍ ଭିତରେ ଡେଥ୍ ହେଉଛି 20-23 ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରାୟୁଟେରାଇନ୍ ଫିଟସ୍ ଡେଥ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର, ସର୍ଜିକାଲ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଜ୍, ତ ସର୍ଜିକାଲ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟୋମି ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଟୋମି ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏକ୍ଟୋମି ନା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଜେଜୁନୋଟୋମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜେଜୁନୋଷ୍ଟୋମି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା କିଛି ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ରିମୁଭାଲ୍ କରୁ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଯଦି ଜଣା ଅଛି ଆପଣମାନେ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏକ୍ଟୋମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଜିକାଲ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏକ୍ଟୋମି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏକ୍ଟୋମି ଇଜ୍ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହୋୟାର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଜିକାଲି ରିମୁଭ୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏକ୍ଟୋମି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଟୋଟାଲି ଆମର ରିମୁଭ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା କ୍ଲିନିକାଲି ଦେଖାଯାଇଛି କି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବି ନରୋ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ଆମର କିଛି ଫୁଡ଼୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କରେ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯଦି ଆମର ଫୁଡ଼୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ନକଲା କି ଫୁଡ଼୍ ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନକଲା, ତ ସିଏ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ପଳାଏ। ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ତ ମେନ୍ ଆମର ଆବଜର୍ପସନ୍ ହୁଏ ଫୁଡ଼୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସେଉଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ରିମୁଭାଲ୍, ମେନ୍ଲି ଗୋଟେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମେ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ତା'ର ବହୁତ ମାନେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଏକ୍ସେସିଭ୍ ୟୁରିନେସନ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ରାତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ୟୁରିନେସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲିୟୁରିଆ ନା ଡିସ୍ୟୁରିଆ ନା ନକ୍ଚୁରିଆ ନା ଆନୁରିଆ, ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଲିୟୁରିଆ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ୟୁରିନେସନ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପଲିୟୁରିଆ କହେ, ଯେଉଁଟାକି 3000 ml ଯଦି ଆମର ହୁଏ 24 ଆୱାର୍ରେ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ପଲିୟୁରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡିସ୍ୟୁରିଆ କ'ଣ, ଡିସ୍ୟୁରିଆ ହେଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ୟୁରିନେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୟୁରିନେସନ୍ ବେଳେ ଯଦି ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍ୟୁରିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଆନୁରିଆ କ'ଣ, ଆନୁରିଆ କହିଲେ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁରିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ଲୋ ୟୁରିନ୍, ଯେଉଁଟାକି କେତେ ନା 100 ml ପର୍ ଯଦି ଆମର 24 ଆୱାର୍ ଭିତରେ 100 ml ହେଲା, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ଆନୁରିଆ। ଆଉ ଏଠି ନକ୍ଚୁରିଆ କ'ଣ, ନକ୍ଚୁରିଆ ହେଉଛି
जोटा कि आम रात एक्सेसिव यूरिनेशन होगाक आम कौन बोली कही था ना नक्चुरिया। ठीक अच्छे भाव आपने बुझीपारे ये तेल राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज एक्सेसिव यूरिनेशन आट नाइट इज कॉल्ड नक्चुरिया। ठीक अच्छे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देखे दूसरी देखो नक्चुरिया इज ए कंडीशन इन व्हिच यू वेक अप ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज यू हैव टू यूरिनेट कॉजेस कैन इनक्लूड हाई फ्लूड इनटेक स्लीप डिजॉर्डर एंड ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन। तो कौन कहला नक्चुरिया हूँ जोटा कि आपने यूरिनेसन बहुत थर उठा फ्रिक्वेन्सी यूरिनेसन करवाक जोटा कि आम रात कौन बोली कहू ना नक्चुरिया। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द नंबर ऑफ थोरासिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन। तो कौन कहला आमर ह्यूमन मानक नंबर ऑफ थोरासिक वर्टिब्रा तो वर्टिब्रा कल आप मन मन पका तो से थोरासिक वर्टिब्रा केतोटी अच्छी। ठीक अच्छे जदि आप मन पड़नी ये वीडियो को सेमती देखो स्किप जमा भी पड़ा नहीं आपको एवं कहीदी निश्चिंत मन रखु तो देखो ऑप्शन देखो पाँच ना सात ना नौ ना बार तो देखिए थोरासिक वर्टिब्रा तो आम थोरासिक वर्टिब्रा आम ह्यूमन मानक ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज थोरासिक होची बारटा। ठीक अच्छे जमा भी व्यस्त हूँ ना ये इमेज टी आपने देखू देखु ये इमेज टी कौन देखिए देखो सर्भाइकाल वर्टिब्रा केतोटी ना सातोटी थोरासिक वर्टिब्रा केतोटी ना बारटी लुम्बार वर्टिब्रा केतोटी ना पांचोटी आउ कौन रहा देखे दूसरी सैक्रम गोटे एंड कॉक्सिस गोटे टोटाल वर्टिब्रा केते ना छब्बीस बोन एटा हूँ आडल्ट रे किंतु सी मेनली कौन करे बेले बेले पेडियाटिक माने इन्फेंट मानकर भी पचार दिए तो सेतबेले अमर केते थाए मु आपनको देखै दउची देखंतु 33 बोन्स इन इन्फेंट इन्फेंट मानक केस रे कौन हुए ना आमर बोन डिफ्यूज हो न थाए जोटा कि सैक्रम 5 बोन आमर डिफ्यूज होकरी सैक्रम हो जाए गोटे हो जाए एंड कॉक्सिस 4 बोन डिफ्यूज होकरी आमर कॉक्सिस हो जाए जोटा कि एडल्ट केस रे गोटे गोटे सेटा आमर 5 4 9 एक्स्ट्रा हो जाए जोटा कि इन्फेंट मान क्षेत्र में 33टा वर्टिब्रा एंड 26टा होजी कोटी ना एडल्ट मान करे तो जमा भी भूलंतु नहीं निजे नोट करंतु पेन कलम रे लिखंतु नले स्क्रीनशॉट मारी रखंतु जहां भी करंतु किंतु मन रखंतु। ठीक अछि तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि 6 नंबर क्वेश्चन जोटा कि मुझी आपण अच्छे देखो आइडेंटिफाई द इमेज तो ये इमेज टी कौन आपको आइडेंटिफाई करार अच्छी जदि आपको आंसर जना तो तले निश्चित कमेंट कर दिंतु तो देखो ये इमेज टी कौन मुझक इमेज टी देखी देखूँ बेन सर्किट ना भेन्टिलेटर सर्किट ना बेन सर्किट ना आंबू मास्क तो ये इमेज टी आंसर कौन जदि जना अच्छे निश्चिंत तले कमेंट कर दिंतु मुझे 100% रिप्लाई देवी। ठीक अच्छे आगामी भिडियो मुझर ये आंसर टी निश्चिंत कहीदेवि। ठीक अच्छे तो देखूँ ये इमेज टी भल से देखु आदि आपको जना अच्छी निश्चिंत सांगे सांगे कमेंट कर दिंतु। ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर ड्रग ऑफ चॉइस इन इनक्रीज आईसीपी तो कौन कहला ना आईसीपी कहले कौन ना इंट्राक्रानियल प्रेशर इंट्राकानियल प्रेशर रे आमर ड्रग ऑफ चॉइस कौन देखो ऑप्शन देखो फेनिटोइन ना मानिटोल ना डाइजेपम ना एनटीजी अथवा नाइट्रोग्लिसरीन तो कौन होइछि ना आमर आईसीपी अच्छी तो आईसीपी केस रे आमर ड्रग ऑफ चॉइस कौन तो सब बेले मन रखिए आमर मानिटोल कौन पाई यूज हुए ना इंट्राक्रानियल प्रेशर पाई जोटा कि इंट्राक्रानियल प्रेशर रो ड्रग ऑफ चॉइस बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होछि आमर मानिटोल आईवी मानिटोल जोटा कि आमर रहा के 20% मुझको इमेज टी देखेदेवी तो देखूँ एक्सप्लेनेशन रे आमर मानिटोल दिया हुए कौन पाई ना इंट्राकानियल प्रेशर जो हाई रोच। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8 द नॉर्मल यूटरस वेट इज डैश ग्राम्स आम नॉर्मल यूटरस केते ग्राम ये आपको प्रेग्नेंट यूटरस भी बेले बेले पचार दिए तो से आपको दुटा आंसर जनाथा दरकार मुझे भी आपको भिडियो दुटा आंसर कहीदेवी तो देखो ऑप्शन 40 ना 100 ग्राम ना 20 ग्राम यहाँ ऑप्शन डी देखो ऑप्शन डी देखिए कौन मु मिस्टेक ही टाइम टाइपिंग टाइम रे तो ऑप्शन डी दे 60 ग्राम तार आंसर कौन हम देखु आपड़ जी जना अच्छे निश्चित तले कमेंट कर दिंतु तो नॉर्मल यूटरस कहले आमर तार वेट केते ना नॉर्मल यूटरस हूँ 60 ग्राम किंतु यदि प्रेग्नेंट यूटरस दे था तो प्रेग्नेंट यूटरस आमर केते ना 1000 ग्राम अथवा 1 kg जोटा कि भारी कै 1000 रु 1200 ग्राम रुहे प्रेग्नेंट यूटरस। ठीक अच्छे बाबूजी आप बुझीपारे
तो मुझे आपको देखिए एक्सप्लेनेशन रे देखो तो देखो द ह्यूमन यूटरस इज पियर शेप्ड एंड अबाउट 7-6 सेंटीमीटर लॉन्ग 4.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक ए टाइपिकल एडल्ट यूटरस अबाउट 60 ग्राम तो आम जो राइट आंसर तो 60 ग्राम हूँ गोटे आडल्टर नॉर्मल वेट ऑफ यूटरस ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर फिजिशियन ऑर्डर्ड ओराल एज वेल एज नाजल सक्शन ए क्लाएंट टू ए क्लाएंट ठीक अच्छे कौन कहला ना आम फिजिशियान जन ऑर्डर कले कि ओराल आउ नाजल सक्शन हम गोटे क्लाएंटर तो आमर से फास्ट सक्शन करार अच्छे तो क्या फास्ट सक्शन करार अच्छे तो देखो ऑप्शन ऑप्शन कौन देखिए माउथ को फास्ट सक्शन करवा ना नोज को फास्ट सक्शन करवा ना व्हेयर द सिक्रेशन इज मोर जो सिक्रेशन अधिका थी आम से सक्शन करवा ना व्हेयर द सिक्रेशन इज लेस जो सिक्रेशन लेस थी आम से सक्शन करवा तो देखो कौटी सक्शन करवा गोटे जो आडभाइस ओराल को करवाई आउ नाजाल को करने ठीक अच्छे देखो भल से देखो ये क्वेश्चन बहुत थर आसी ये क्वेश्चन भी आसीपे तो आर आंसर कौन हम देखो ऑलवेज डू फास्ट सक्शन इन द माउथ देन द नोज बिकॉज इफ यू डू सक्शन इन द नोज फास्ट इट विल स्टिमुलेट फारिंग्स एंड कॉज एस्पिरेशन सो टू अवॉइड दिस ऑलवेज डू सक्शन फास्ट इन द माउथ तो ये आम राइट आंसर कौन हम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज माउथ तो आमको माउथ रे फास्ट करिवार अछि देन जाइकिरी आमको नोज रे करिवार अछि कौन पई ना हमर जते बेले आमे नोज रे फास्ट करे कौन हुए ना स्टिमुलेट फारिंग्स फारिंग्स स्टिमुलेट हो जाए जो कि आम आस्पिरेसन होबार चान्स थाए से आमको फास्ट माउथ रे सक्शन करिवार अछि बाबूजी आप बुझीपारे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाजाइनाल केनाल नॉर्मली हाज तो भाजाइनाल केनाल आमर नॉर्मली कौन देखो आन एसीडिक एनवायरनमेंट आन अल्कलाइन एनवायरनमेंट ए न्यूट्रल एनवायरनमेंट आन एनवायरनमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन तो कौन कहला ना आम भाजाइनाल केनाल टी कौन एसीड ना न्यूट्रल ना अल्कलाइन ना डिटरमाइन करवाक माने करवा डिफिकल्ट तो आपको जब आंसर जना जी आप निश्चित कमेंट कर दिखाते भावुँ बहुत पिला आंसर जना थो तो आर राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज आन एसीडिक एनवायरनमेंट आपने निश्चित जानते जार कि आम पीएच रहा के देखे दूसरे देखो यहाँ भी आप मन रखु बेले बेले पीएच भी पलै आसे तो देखो ये नॉर्मल वजाइनल पीएच इज बिटवीन 3.8 एंड 4.5 तो नॉर्मल पीएच आमर के 3.8 रु 4.5 वजाइनल पीएच ए पीएच लेवल विदिन दिस रेंज कैन हेल्प टू कीप बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस आट बे आम लाक्टोबासिली बैक्टीरिया लिव इन द भाजाइना एंड सिक्रेट लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हिच गिव द भाजाइना इट्स एसिडिक पीएच लेवल तो कौन कहला आमर एटा मेनली बैक्टीरिया आउ फंगल इन्फेक्शन को माने हेल्प करिया पई बा माने प्रिवेंशन करिया पई आमर एटा एसिडिक नेचर थाए जोटा कि तार पीएच केत रहला देखु 3.8 रु 4.5 एटा भी आपण माने मन रखु पीएच आमर 3.8 टू 4.5 ठीक अच्छे तो आम ये कौन है ना भाजाइलान क्लान कौन ना एसीडिक इन एनवायरनमेंट ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी 11 नंबर देखो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ़ द बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ़ द बॉडी किए आपण मैंने भावुवे मुँह को पूर्व भिडे क्वेश्चन देखी बोली कि पूर्व भिडे क्वेश्चन कौन देखी ना लार्जेस्ट ग्लांड ऑफ़ द बॉडी देखी जहाँ कि आंसर आपने कौन जानते ना लिवर तो ये कौन दे भल से देखूँ लार्जेस्ट ऑर्गन तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जमा भी आपने लार्जेस्ट ऑर्गन देखिक पूर्व भिडे पढ़ी तो ये राइट आंसर डायरेक्ट लिवर देवे तो मुझे आपको देखे दूसरी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ़ द बॉडी देखिए ऑप्शन देखूँ लिवर ना स्प्लीन ना स्किन ना हार्ट तो राइट आंसर आर कौन हम जब जनाची आपने निश्चित तले कमेंट कर दिंतु तो लार्जेस्ट ऑर्गन देजी जार की राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी स्किन तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ठीक अच्छे टोटाली केते आमर मु देखि दउ जे आपनकु सबुठु लार्जेस्ट ऑर्गन होची आमर किए ना स्किन आउटे जदि पता थांदा लार्जेस्ट ग्लैंड ग्लैंड जदि पता थांदा आमर हेतांदा एठी लिवर ठीक अच्छे जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना मुझे आपको देखे दूसरी आम देखो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी द स्किन सरफेस एरिया इज एप्रोक्सीमेटली 22 स्क्वायर फीट जोटा रहा 2 स्क्वायर मीटर्स एंड वेट इज अबाउट 4.5 to 5 kg 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट आमर जितकी बॉडी वेट तार 7% हो 7% हूँ टोटल स्किन बॉडी वेट देख भावि पार्थे तो आम स्किन हूँ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रेजेन्स अफ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज नोन आज तो कौन कहला ना आमर स्टूल रे फ्रेश ब्लड प्रेजेन्ट हेबा को आम कौन बोली कहू ऑप्शन देखु मालेना ना हेमोप्टिसिस ना हेमोप्टेजिया ना हेमाचुरिया तो आर राइट आंसर कौन हम जदि आपको जना अच्छी तले निश्चिंत कमेंट कर दिंतु तो आर देखो 12 नंबर राइट आंसर कौन हम 12 नंबर राइट आंसर हम हेमाटोजिया ठीक अच्छे हेमाटोचेजिया हूँ आम राइट आंसर जोटा कि फ्रेश ब्लड इन द स्टूल जदि अच्छी ठीक अच्छे तो आपने जानते हैं हेमोप्टिसिस कौन हेमोप्टिसिस कहले जदि आम कफिंग रे आम ब्लड आसन आम कौन बोली कहू ना हेमोप्टिसिस हेमाचुरिया कहले कौन ना आम यूरिनेशन रे ब्लीडिंग होगा आम ब्लड आसपाई आम हेमाचुरिया कही था ठीक अच्छे तो ये आपन आसोब मालेना कौन तो मालेना कौन मुझे कही रखी जमा भी मालेना आउ हेमाटोजिया भितर जमा भी कन्फ्यूज हेबे ये दुटार ऑप्शन मुझे डिफरेन्स आपको निश्चिंत कहीदेवी तो देखो आमर कौन हेमाटोजिया कौन ना हेमाटोचेजिया इज द पासेज अफ फ्रेश ब्लड पर आनस और यूजुअली इन और विथ स्टूल आम स्टूल जब फ्रेश ब्लड आसूसी आम कौन बोल कह ना हेमाटोचेजिया तो ठीक अच्छे मालेना कौन देखो मालेना रेफर्स टू ब्लाक स्टूल्स दैट अकर्स आज ए रेजल्ट अफ जीआई ब्लीडिंग अथवा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग दिस ब्लीडिंग टाइपिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट व्हिच इंक्लूड्स माउथ ओएसोफागस स्टोमक एंड द फास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तो कौन कहला मालेना होची हमर टायरी कलर और ब्लैक कलर ब्लैक कलर स्टूल जोटा कि कौन हुए ना आमर स्टूल रे आसे जदि आम कौन बोली कहू मालेना कहू आप मन रखु जोटा कि आम ब्लीडिंग हुए किंतु ऑलरेडी ब्लीडिंग माने से पूरा तार ब्लैक कलर होता है अथवा आम टायरी कलर हो जाए आम कौन बोली कहू कहू मालेना ठीक अच्छे आंतु आमर जब फ्रेश ब्लड आसूसी फ्रेश ब्लड आसमें कौन बोली कहू फ्रेश ब्लड आसे आम कहू हेमाटोचेजिया ठीक अच्छे भाई आपण डाउट क्लीयर हो जमा भी आधे कन्फ्यूज हे ना ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आमर कौन ना साइकोकोबालामिन इज कॉल्ड तो आम को विटामिन को साइकोकोबालामिन कही था ठीक अच्छे साइनोकोबालामिन तो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन देखो विटामिन बी ना विटामिन बी सिक्स ना विटामिन बी ट्वेल्व ना विटामिन बी थ्री तो साइनोकोबालामिन आम को विटामिन की कही था तो देखो आर राइट आंसर हम कौन ना विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व को आम कौन बोली कही था ना साइनोकोबालामिन एटा पूरा गोटे टर्म आंसर खाली मन रखु आपको जब भी जो क्वेश्चन आसे आपने आंसर दे पारे तो देखो तो आम 14 नंबर क्वेश्चन को जी 14 नंबर क्वेश्चन कौन दे ना बिटर स्पॉट्स आर फाउंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आमर बिटर स्पॉट कौ डेफिशिएंसी कौ विटामिन डेफिशिएंसी आमर देखा जाए विटामिन बी ना विटामिन ए ना विटामिन बी वन ना विटामिन बी टू तो कौ विटामिन डेफिशिएंसी आमर बिटर स्पॉट देखा जाए जदि आपको जना आसी निश्चिंत तले कमेंट कर दिंतु तो देखो बिटर स्पॉट स्पॉट कहले आमर कौन बुझाए देखु बिटर स्पॉट कहले देखो बिटर स्पॉट्स आर ए स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी दीज आर ट्रायंगुलर ड्राई व्हाइटिश फोमी अपीयरेंस लेजन व्हिच आर लोकेटेड मोर कॉमनली ऑन द टेम्पोरल साइड दे मेनली कंपोज्ड ऑफ केराटिन एडमिक्सचर विथ गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया आमर कौन है ना कॉर्नी बैक्टेरियम जेरोसिस लीड टू फोमी अपीयरेंस तो कौन कहला ना आमर आखिरे जितेबाला आमर कॉर्निया रे कौन होजी ना ड्राई व्हाइटिस फोमी अपीयरेंस आसुची आम कौन बोली कहू ना बिटर स्पॉट को डेफिशिएंसी रे हुए ना विटामिन ए डेफिशिएंसी रे ठीक अच्छे विटामिन ए डेफिशिएंसी रे आमर बिटर स्पॉट हुए तो देखो देखो जी विटामिन आमर आईटे केमी हो जाए तो देखी पार्थिव इमेज टी जोटा कि ये व्हाइटिस ब्राउनिश कलर हो जाए आम कौन कहू ना बिटर स्पॉट तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट आमर केते ठीक अच्छे यदि जना अच्छे निश्चिंत आप कमेंट कर देवा अच्छी तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट केते ऑप्शन ए आमर केते ना 1.5 लाख रु 4 लाख 50 हजार ना आमर 10 हजार रु 12 हजार ना 4500 रु 11 हजार ना 15000 रु 20 हजार तो राइट आंसर कौन जदि आपको जना अच्छे तले निश्चिंत भाव कमेंट कर दिंतु नॉर्मल प्लेटलेट काउंट देखिए जोटा कि आम प्लेटलेट काउंट नॉर्मल केते ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज 1.5 लाख रु 4 लाख 50 हजार आमर होची नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जोटा कि आम तलू जब डेफिशिएंसी होती तलू कमुची
लक्ष रु आमर मेनली आमर ब्लीडिंग हेबार चांस थाए इंटरनल ब्लीडिंग हेबार चांस थाए ठीक अछि प्लेटलेट आमर जदि कमुजी तो नॉर्मल प्लेटलेट केते ना 1.5 लक्ष रु 4 लक्ष 50 हजार आपन एटी देतांदा यदि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी देन आपनकर एटी राइट आंसर कोन हेतांदा ना ऑप्शन सी द राइट आंसर दैट इज 4,500 रु 11,000 होची नॉर्मल डब्ल्यूबीसी ठीक अछि बाबूजी आपन माने बुझी परले तो देखंतु ये नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंजेस फ्रॉम 1.5 लक्ष रु 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रो लिटर ऑफ ब्लड ठीक अछि तो आमर कौन हला ना 1.5 लक्ष रु 4,50,000 होची राइट आंसर हैविंग मोर देन 4,50,000 प्लेटलेट्स इज ए कंडीशन कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस यदि आमर 4,50,000 रु अधिक प्लेटलेट होची देन हम ता कौन बोली कहबा ना थ्रोम्बोसाइटोसिस आउ जदि आमर 1.5 लक्ष रु लेस होची ताको हम ता कौन कहबा जोटा कि हम आरो क्लास रे पढ़ीथिले थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया माने आमर प्लेटलेट कम होची आउ थ्रोम्बोसाइटोसिस माने प्लेटलेट आमर जति कि नॉर्मल रे गता ताटू अधिक होची तो बाबूजी आपण माने निश्चिंत बुझी पारले तो जमे भी डाउट हेबे नाही तो थिला हमर लास्ट क्वेश्चन तो ए भली इंटरेस्टिंग वीडियो देखिया पई आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को लाइक करंतु कमेंट करंतु आ आपण को संग मान सहित शेयर करंतु ठीक अछि चैनल को एमदी सपोर्ट करंतु हम को एमदी सपोर्ट करथांतु आमे आपण को एमदी आहुरी इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करबो तो जमै व्यस्त होंतु नै ओ ट्रिपल जे 4070 पोस्ट पई आपण को जते भी आपण को कोशिश जारी रखंतु आ आपण माने बहुत माने परिश्रम करंतु निश्चिंत गोटे पोस्ट पाया पई तो ठीक अछि वीडियो को देखिबा सहित निश्चिंत आपण को परिश्रम निश्चिंत दरकार ठीक अछि तो एमदी वीडियो को देखिया पई चैनल को अपडेट रहंतु अब आपण जदि हमर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन नै जाय कि सेठी जॉइन नै जबे हमर डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि तो ठीक अछि आज पे इड रहला नेक्स्ट देखाबो आगे में एमदी गुड इंटरेस्टिंग वीडियो सहित तो ठीक अछि रहली जय जगन्नाथ।